अध्यक्ष माननीय प्रकाश भाऊ वाघमारे स्वामीजींकडे त्या स्वाक्षरी सोपवित आहेत. गो माता की, गंगा माता की, भारत माता की, वंदे. अकोला जिल्ह्याचं समारोपाचं सत्र आपण करत आहोत. व्यासपीठावर अनेक अधिकार संपन्न आणि काहीच्या संबंधाने माहितीपूर्वक बोलणारे अनेक महात्मे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. गायीसंबंधी अधिक माहिती देण्याचा हे वेळ नाही. आपण गेले 2 महिने हे अभियान राबवत आहोत, देशामध्ये फिरत आहोत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की ज्या देशाची उन्नती या गोमातेनं लाखो करोडो वर्ष केली तीच गोमाता या देशामध्ये सध्या दयनीय अवस्थेमध्ये मृत्यूची वाटचाल करते आहे. आपल्याकडे एक म्हण अशी होती की कसायाला गाय धरजिनी, अशी एक आपण म्हण म्हणत होतो. कसायाला गाय धरजिनी कशामुळे पडली असेल हे सांगू शकत नाही, पण सध्या कसायाला गाय धरजिनी ही म्हण माझ्या दृष्टीनं मागं पडलेली आहे. सध्या कसायाला शेतकरी धरजिनी आणि जास्त प्रमाणामध्ये कसायाला पुढारी धरजिनी असा प्रकार झालेला लक्षात. आता गायीचा दोष नाही, दोष आहे शेतकऱ्यांचा. मी कसायाची बाजू घेतोय असं समजू नका. आपण जसे सगळे गोसेवक आहात तसा मी सुद्धा थोडासा सक्रिय असा गोसेवक आहे. छोटीशी गोशाळा मी चालवतो आहे. ती गोशाळा चालवत असताना कराड भागामध्ये कत्तलखान्याची वाटचाल करणारे काय गाय आहेत त्या वाचवण्याचं काम आम्ही करतो. त्या प्रसंगाने अनेक वेळेला कसायांच्याशी काही बातचीत होते, त्यांच्याशी खडाजंगी होते, काही वेळेला भांडण्याचा प्रसंग येतो. आणि प्रत्यक्ष कृतीवीर असलेल्या सगळ्या सहकारी धर्माचार्य बंधूंचं अभिवादन करतो. थोडी बात मैं हिंदी में करना चाहूंगा, थोडी बात मराठी में करना चाहूंगा. इसलिए कि पूज्य स्वामी जी महाराज तक कुछ भावनाएं पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में भी बतलाना आवश्यक रहेगा. आणि माझ्या समोर बसलेल्या मराठमोळ्या जनतेला या विदर्भाच्या सुपुत्रांना मराठीतनंही काही सांगणं आवश्यक आहे. आज मैं यहां पर जो उपस्थित हूं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका विचार जब मैं करता हूं तो मेरा मन 2500 वर्ष पूर्व के एक महानतम सन्यासी की ओर जाता है. केरल से उस सन्यासी के चरण चले सारे भारत को जोड़ने के लिए, जिनको हम आदि शंकराचार्य कहते हैं. सारा हमारा देश विचृंखल हो गया था, उपासना में, मत मतांतरों में, अनेक प्रकार के विवादों में पड़ा हुआ, सड़ा हुआ यह देश अत्यंत विशीर्ण होने लगा. तब एक ज्योति केरल में जली और वो पूरे देश में घूम घूम करके इस संपूर्ण राष्ट्र को आखिर एक सूत्र में बांध करके ही रही. भगवान आदिशंकराचार्य महाराज के उन चरण चिन्हों पर चलते हुए हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भी कर्नाटक से चले और पूरे राष्ट्र को गोमाता के माध्यम से न केवल एक सूत्र में बांधने के लिए किंतु सारे विश्व का मंगल करने के लिए उनकी यह यात्रा चली. मैं यहां पर आया हूं उनके चरणों का अभिवादन करने के लिए आया हूं. और मैं यहां पर आया हूं एवढ्यासाठी पण कि ज्या जिल्ह्यात मी या ठिकाणी बसलोय आणि ज्या तालुक्यामध्ये बसलोय तो तालुका संपूर्ण देशामध्ये गोभक्तांचा अग्रणी असलेला जिल्हा आणि तालुका आहे याची मला खात्री तर होती. पण आदरणीय बंडातात्यांनी आता ते प्रमाणपत्र तुम्हाला देऊनही टाकलेलं आहे. आणि हरिभक्ती परायण बंडातात्यांनी जे काही म्हटलं त्याला कोणालाही मतभेदाचा मुद्दा उरत नाही. त्यांनी जेव्हा म्हटलं की
मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने शरणं तरुणेन्दुशेखर शरणं मे गिरिराज कन्यका शरणं पुनरेव तावुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् श्री शंकराचार्य परंपरायां समागतानां गुरुपुंगवानां अनारतं पूज्य पदारविंदे नमः सदा स्वात्मनि संस्थितानां जो गोमाता हमारी हृदय देवता है, जो आप सबके हृदय में भी माँ के रूप में विराजमान है, जो भारत की प्राण रेखा है, जो विश्व ब्रह्मांड की आत्मा है, जिन्होंने दूध की नदियां बहाया हमारे जीवन में जब हमारे जन्मदात्री ने दूध देना बंद किया था, जो गुरुओं की गुरु है, जो माताओं की माता है, जो हर जीव का जीव है, आत्मा है, ऐसी गोमाता के चरणों में आप सबके साथ अनंत 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 प्रणाम समर्पण करते हैं। पीछे गोमाता है, पार्श्व में संत है, सामने गोभक्त है और हृदय में गोरक्षा का दिव्य संकल्प है। यह धरती नहीं स्वर्ग है, स्वर्ग धरती में उतरा है अकोला में। बस यहां जो वातावरण है, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा वातावरण पैदा करना, यहां जो भाव है, यहां जो भक्ति है, यहां जो प्रेम है गो माता के बारे में, संपूर्ण देश में इसका विस्तार होना चाहिए। विश्वमंगल गोग्राम यात्रा समाप्त होने जा रही है, बस एक कार्यक्रम अमरावती में और नागपुर में समापन। हम सारे भारतवर्ष घूमे हैं, कई कार्यक्रम देखे हैं, परंतु अकोला जैसा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। कारण यह है अकोला में गोसेवक अकेला नहीं है, 31,000 कार्यकर्ता समर्पित है यहां गो माता के लिए। संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा एक जिला दिखाओ जहां 31 कार्यकर्ता समर्पित है गो माता के लिए। अकोला अकेला ऐसा स्थान है। अब गौ माता असहाय नहीं है, अब गौ भक्त असहाय नहीं है। भारत में कई स्थान में देखते हैं हम